We are back in Canada now. Yes. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਵਰੀਵਨ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਚੈਨਲ। ਹੋਰ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ, ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਥੇ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਦਿਨੋਂ ਸੇ ਹਮ ਲੋਗ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਰੋਜ਼ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਹਮਨੇ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਆ, ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀ, ਖਾਇਆ ਪੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਬ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੇ ਸਾਥ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਕਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਤਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਇਤਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, अप्पा जी के वापस कनाडा जाने का टाइम आ गया है और आज हम जा रहे हैं पाजी को ड्रॉप करने के लिए। तो पाजी की फ्लाइट दिल्ली से है, तो आज हम अभी निकल रहे हैं चंडीगढ़ टू दिल्ली। और पाजी तो जा ही रहे हैं, उसकी वजह से तो हम पाजी को बहुत मिस करेंगे, लेकिन पाजी के साथ साथ ना हमारे मम्मी भी जा रहे हैं पाजी के साथ कनाडा। तो फिर और ज़्यादा घर खाली खाली हो जाएगा और बिल्कुल थोड़े दिन हमारा दिल नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत बड़े दिनों से इकट्ठे ही, मतलब सब साथ में थे, मजा आ रहा था, है ना। तो बड़ा मजा आ रहा था, वैसे ही खुशी थी कि पाजी आ रहे हैं। एक महीने से तैयारियां कर रहे थे। कब से तैयारी कर रहे थे? हाँ। तो एक महीने से भी ज्यादा से, जब से पता चला था कि पाजी ने टिकट्स बुक करा लिए, पर तब से हमारी तैयारियां चालू थी, एक्साइटमेंट था पूरा। ये 10-15 दिन कैसे निकल गए पाजी के साथ पता भी नहीं चला, और अब थोड़ा मतलब मूड भी खराब हो रहा है। और पाजी तो जा रहे हैं साथ में, मम्मा भी जा रहे हैं, पाजी तो खुश है। पाजी खुश है क्योंकि मम्मा उनके साथ जा रहे हैं, नहीं तो अक्सर ऐसे होता है कि पाजी भी अकेले जाते हैं, वो भी बहुत उदास हो जाते हैं, हम तो होते ही हैं। इस बार ऐसे कि पाजी के साथ मम्मी जा रहे हैं, तो पाजी का भी थोड़ा सा जो मूड खराब होने वाली चीज थी वो थोड़ी कम हो गई कि मम्मी साथ है एटलीस्ट। हाँ, हम थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, मम्मी पाजी तो जा ही रहे हैं, मम्मा भी जा रहे हैं। हम तो कर ही रहे हैं। जोरावर को जब से पता चला ना कि थोड़े दिनों में बड़े पापा की फ्लाइट है, उन्होंने वापस कनाडा जाना है, तो बहुत उदास हो गया है। हर रोज एक बार तो उनसे कहता ही था, पापा मैं ना बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि अब जा रहे हो, अब नेक्स्ट टाइम कब आओगे, अब जल्दी आना, साथ में कबीर पाजी को भी लेके आना, मतलब वो बहुत मिस कर रहा है अपने पाजी का जो बेटा है कबीर उसे। और जोरावर को पाजी तो जा रहे हैं, उसका तो उसे है, फील कर रहा है कि वो जा रहे हैं, उसको ये पता ही नहीं कि मम्मा भी कनाडा जा रहे हैं, हमने बताया ही नहीं उसको, क्योंकि वो मम्मा से भी बहुत अटैच्ड है। तो उसने तो तभी से रोना शुरू कर देना था जब से हमने उसको, मतलब अगर हम पहले बता देते तब से रोना शुरू कर देता, इसलिए लास्ट मोमेंट तक हमने उसको बताया ही नहीं है कि मम्मा भी जा रहे हैं कनाडा। तो फिर चलते हैं चंडीगढ़ टू दिल्ली, लेट्स गो। बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। आज कितने जा रहे हैं अपन? सोरे आज जी जा रहे हैं पापली छटन एयरपोर्ट। तुम एक्साइटेड हो? नहीं। क्यों नहीं हो एक्साइटेड? क्योंकि पापा भी जा रहे हैं। उन्होंने बोलो ना फिर जल्दी आ जाओ नेक्स्ट टाइम। पापा भी जल्दी आ जाओ रोनी को लेके। यस जोरो, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। ओके ओके। रोनी जोरावर अपने दादी मामा को बोलता है रोनी। तो जोरा के बड़े पापा और दादी मम्मा दोनों कनाडा जा रहे हैं, तो जोरा का मन उदास हो गया है। नहीं तो हर ट्रिप में जोरावर बोलता है कि भाई आई एम वेरी एक्साइटेड, आज बोल रहा है कि मैं एक्साइटेड नहीं हूँ इतना क्योंकि मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ एयरपोर्ट। कोई नहीं, जल्दी आ जाना। हाँ जी, चंडीगढ़ से हम लोग दोपहर में 2:30 बजे निकले थे और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। और अब तक जो टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया है वो हमने कवर किया है जी 200 किलोमीटर्स का। और इस वक्त हमने ब्रेक लिया है और हमारे ऑल टाइम फेवरेट ढाबे पर हम लोग आए हैं जी। और उस ढाबे का नाम है मन्नत ढाबा, जो कि समालखा में है। तो चलो चल के रिफ्रेशमेंट लेते हैं, चाय वाय पीते हैं। हमारा ऑल टाइम फेवरेट ढाबा है मन्नत ढाबा, यहाँ पे बहुत बढ़िया खाना मिलता है। वैसे तो चंडीगढ़ दिल्ली रूट पर सारे ढाबे जितने आते हैं सब जगह आपको अच्छा फूड ही मिलेगा, पर मन्नत ढाबा हमें पसंद है, हम हमेशा यही रुकते हैं जब भी चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हैं। थोड़े वेज नूडल्स आ गए,
चलो तुसी और पापा खाओ। जोरावर ने खाने थे नूडल्स, उसके लिए नूडल्स आए हैं, पर हम सब खा रहे हैं मन्नत स्पेशल परौंठे। वो आलू परौंठे भी मंगाए हैं, पनीर परौंठा भी और गोभी परौंठा। और जैसे ही परौंठों का ऑर्डर देते हैं ना आप यहाँ पर मन्नत ढाबे पर, तो वाइट मक्खन सबसे पहले आ जाता है जी, और साथ में चटनियाँ। जरा कितना लग गया? हाँ, बिंदास खाओ यार। बिंदास खाओ, थोड़ा यम्मी लग गया तो दस दो। यस। ओके, पापा नु कितना लग गया? मस्त है, गुड। वाह जी वाह, आगे हमारे परौंठे। अच्छा जी, सबसे नीचे आलू की आई, ठीक है जी। भाई ऊपर गोभी परौंठा आपके लिए, ये है ये पनीर परौंठा पाजी का, और मेरा आलू प्याज का परौंठा। मगर हम परौंठे के ऊपर डालते हैं जी वाइट मक्खन, सफेद मक्खन। ये देखिए, बहुत अच्छा स्वाद है पनीर परौंठा। ओके, विद मक्खन। थैंक यू भाई, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी चाय की। लेते हैं फर्स्ट बाइट। एज यूजुअल वेरी टेस्टी आलू प्याज का परौंठा विद वाइट मक्खन, मन्नत ढाबे का। एंड वंस अगेन, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, ये हमारा फेवरेट ढाबा है। जब भी हम चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हैं तो यहीं रुकते हैं, और बहुत मज़ा आता है। अगर आप भी यहाँ से क्रॉस करो तो ज़रूर ट्राई करो इनका फूड, बहुत ज़्यादा स्वाद। अभी तो मैंने छत में जो इन्होंने चटनी दी वो तो ट्राई नहीं की है, क्योंकि एज इट इज ही परांठा मैं खा रहा हूँ मक्खन के साथ, वही इतना स्वाद लग रहा है, और साथ में चाय। गर्मा गर्म कड़क चाय, क्योंकि थकान सी होगी थी ना, चाय पी के सारी थकान उतर जाएगी। ठीक है, ओके, वेरी टेस्टी। फिर मन्नत ढाबे पे परौंठे खा लिए, बहुत ज़्यादा स्वाद थे एज यूजुअल, चाय भी एकदम कड़क जैसी मुझे चाहिए थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब चलते हैं आगे सीधा दिल्ली एयरपोर्ट। अब दिल्ली एंटर कर गए। मॉम का कनाडा जाने का प्रोग्राम एकदम स्पॉन्टेनियस बन गया, और पाजी का टिकट्स ऑलरेडी बुक थे, तो मम्मी की टिकट कठिन ही हो पाई पाजी के साथ, तो इसलिए मम्मी की जो फ्लाइट है वो एक दिन पहले है, और पाजी की जो कनाडा की फ्लाइट है वो एक दिन बाद है। तो आज हम मम्मी को सी ऑफ करने आए हैं एयरपोर्ट। अपने दादी मामा को बोल रहा है आप भी रास्ते में कॉन्फिडेंटली रहो, क्योंकि मैं भी तो स्कूल कॉन्फिडेंटली जाता हूँ। चेयर अप कर रहा है अपनी दादी मामा को, क्योंकि उनका मूड खराब हो रहा है ना। कोई नहीं दादी मामा, ने 3 मंथ्स से आ जाना, ठीक है? बाय बाय दादी, थैंक यू दादी मामा। मम्मी कनाडा जा रहे हैं तो जोरा का मन उदास हो रहा है, तो छोड़ने गया उन्हें गेट तक, क्योंकि मेरी कार यहाँ पार्क है, मैं जा नहीं पाऊंगा। yes. थोड़ा फर्स्ट टाइम है ना तुझे मेट्रो से बैठने वाले हो? यस। yes. वो भी अंडरग्राउंड मेट्रो है, सारी नीचों दी जाऊंगी। yes. टिल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं अपन? पापा नु छोड़ दे। आर यू एक्साइटेड? नो नो ना, व्हाई? क्योंकि पापा जा रहे हैं। हां यार, फिर हाँ, कोई ना थोड़े दिनों बाद आ जाएंगे। वेरी गुड। यस, मेट्रो का व्यू देख रहे हो बाहर का? यस। ओके, हाँ जी, और फिर
ठीक है। ये स्टेशन धौला कुआं है। फर्स्ट टाइम तुसी मेट्रो से जा रहे हो, कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है तुम्हारा? मजा आ रहा है? यस। एंजॉय कर रहे हो? ओके। फ्रॉम दिल्ली एरो सिटी। एयरपोर्ट छोड़ने आए हैं और बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने दिनों से हम साथ नहीं थे। अब पाजी जा रहे हैं कनाडा वापस, तो मन सा उदास हो गया है। जोरावर का तो सबसे ज़्यादा मन उदास हो गया है और कहता है मैंने पापा की ट्रॉली भी मैं ही पुल करूँगा। ये देखिए इतनी दूर से आप ही ये ट्रॉली पुल करके लेके आ रहे हैं पापा के सामान की। पापा जल्दी आ जाओ। ओके। बाय बाय जोरा, तुसी भी चल ले कनाडा पापा नाल हैं? अच्छा। हम लोग बहुत टाइम से पहले एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, तो पाजी की फ्लाइट को भी एक घंटे का टाइम है, तो तब तक बस बैठे हैं। हाँ जी, पंजा लड़ा रहे हो खुद नाल? खुद नाल पापा नाल लड़ाओ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, इतनी ताकत हराता यार, चैंपियन जोरा। मैं भी मैं तो एक सेकंड च हार गया यार। हाँ जी जोरा, की खाना है? डोनट खा रहे हो जोरा? लो थोड़ा डोनट। जोरा का मन ना बिल्कुल नहीं लग रहा है, बहुत उदास हो गया जोरावर, क्योंकि पापा जा रहे हैं उसके बड़े पापा। उसका मन बहुत उदास हो गया, वो रोने वाला है कभी भी। देखो अपनी मम्मा को मिलकर रोने लग गया। गुगू रोना नहीं, पापा ना वीडियो कॉल से गल करा करांगे, ठीक है? अले इतना लग रहे हो, लव यू बोल दो पापा, लव यू। पापा जल्दी आएंगे, अप्पा भी जाएंगे पापा को। हाँ जी, पाजी अंदर जा चुके हैं, 10-15 मिनट हो गए उन्हें, हम लोग अभी भी बाहर ही है, बस उन्हें देख रहे हैं, वो अपना प्रोसेस सारा कर रहे हैं। लेकिन मन उदास सा हो गया, बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है। जोरावर भी उदास हो गया है, हम सब बहुत ज़्यादा उदास हो गए क्योंकि इतने दिनों से पाजी के साथ ही है ना, हर जगह घूमना फिरना, खाना पीना इकट्ठे। चलो कोई नहीं, जल्दी हम भी प्लान करेंगे उनके पास जाने का, और पाजी भी जल्दी आने का बोल के गए हमारे पास। तो बस पाजी, मिस यू अ लॉट, लव यू ऑलवेज, और जल्दी प्रोग्राम बनाएं
एंड सी यू सून, है ना। बस अब थोड़ा मूड ऑफ है और मुझे पता है बड़े दिन चलेगा हमारा ऐसे ऑफ मूड, है ना। हाँ, टाइम लगता है ना। यस, किसी कुछ कहना चाहोगे? यस, मैं तो पापा को बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ जी। We are back in Canada now. Yes. Let's go. Let's go. Let's go. Thanks for watching the video, keep supporting the channel. Bye bye.